नमस्कार, B24 न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं इशिका मुंद्रा। आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की कुछ खास खबरों की ओर। रेत खनन का केंद्र कर रास्ता रोक। अवैध रूप से रेत की तस्करी चल रही है, जिसका विरोध आज ग्रामीणों ने किया है। सूचना के मुताबिक जाजपुर जिला रसूलपुर अधीन में रहे मौजा भगतपुर, ब्राह्मणबाड़ और दनईपुर ब्राह्मणी नदी से बेधड़क दिन रात गांव के सड़क और नदी और तालाब से होकर के बाहर रेत की तस्करी चल रही है। भगतपुर मौजा के प्लॉट नंबर 1433 का 15 एकड़ लीज लिए थे, जबकि ब्राह्मणबाड़ मौजा खाता संख्या 336 के साथ ट्रिप चालन हो रही है, जिस कारण स्कूल और आंगनवाड़ी के बच्चों को अनेक असुविधाओं का सामना करने के साथ साथ दुर्घटनाओं का भी शिकार होना पड़ रहा है। इधर रेत माफिया से कई गांव खतरे में है। बाढ़ की समस्या होने के कारण नदी का पानी कभी भी गांव में आ सकता है, यह सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। इसको ध्यान में रखते हुए तीन ग्रामीणों को एकत्र होकर सामाजिक दूरता को बनाए रखने के साथ साथ नदी के पास आंदोलन करने के साथ उनके रेत वाले ट्रैक्टर को भी रोक दिया था। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जिला प्रशासन अगर आने वाले दिनों में रेत तस्करी पर रोक नहीं लगाई गई तो सभी ग्रामीण सड़क जाम कर रसूलपुर तहसील कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दिए हैं। जाजपुर से दीपक कुमार मलिक की रिपोर्ट, B24 न्यूज एक्सप्रेस। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।